ગાલા સિંહા ઇતરી ભી મુમે શાયદ સોચ નથી રહે. થેન્ક યુ સો મચ કિડ્સ ફોર પરફોર્મિંગ વેલ ઓન સ્ટેજ. થેન્ક યુ સો મચ. ઇટ્સ ઓલ બીકોઝ ઓફ યુ. ઇન્સિડન્ટ્સ અખી જગ્યા બધા ઘુમન પંજ સાલ જેની મને બધા મુરલી બોલાણી કોલ કયો બેસા કુછ સમર કેમ્પ જે પ્લાન કરણ ચાહું તા. ॾाढो नंढो इनिशिएटिव सिर्फ स्पोकन इंग्लिश जी सोचे रखी करे असां भई समर कैंप शुरू कयोसीं. 40-41 ॿार असां वटि हुया. फ्रॉम देयर टू रीचिंग 370 स्टूडेंट्स इन द स्पैन ऑफ 5 इयर्स. मैं शायद बता नहीं सकता इतनी जबरदस्त जर्नी है. एक कोर्स से 10 कोर्स तक पहुंचना, अलग अलग एक्टिविटीज करवाना, ये सब मुमकिन है सिर्फ और सिर्फ हमारी टीम की वजह से. ये मेरा नाम बड़ा चढ़ा के चलाया जाता है कि अशोक मैनेज करता है एंड ऑल दैट, बट फ्रेंकली स्पीकिंग मेरा जितना इनपुट है उससे कहीं गुना ज़्यादा एंथुसियाज्म के साथ मेरी टीम काम करती है, मेरे फैकल्टीज काम करते हैं. उनके बगैर ये सब कुछ हो पाना मुमकिन नहीं है. ये बच्चों की मेहनत है, ये बच्चों का डेडिकेशन है कि 35 दिन के अंदर उन्होंने अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव किया. पर एक फैक्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, आपको सुन के अजीब लगेगा, मैं किसी भी समर कैंप की एक्टिविटी में खुद इंग्लिश में बात नहीं किया करता. इंग्लिश सीखने या बोलना सीखने का मकसद शो ऑफ के खातिर नहीं है. सबसे पहली चीज हमें यह समझनी चाहिए, हमारे देश में बहुत अच्छा रेलेवेंस है इंग्लिश का, पर यह कोर्स सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पे फोकस्ड नहीं है. आप लोगों ने सुना होगा इनको कोर्स के दौरान इंग्लिश बोलने के साथ साथ अपनी पर्सनैलिटी को कैसे पॉजिटिव बनाया जाए, अपने डर से कैसे बाहर आया जाए, यह भी सिखाया जाए. आज मैं बहुत खुश हूं, बता नहीं सकता कि इन बच्चों ने यहां पे आप लोगों के सामने 400-500-600 लोगों के सामने स्टेज पर खड़े होकर बोलने में हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं. मैं नर्वस फील कर रहा हूं, ये बच्चे बोल गए, इससे ज्यादा मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था. पर अगेन मैंने बच्चों से भी प्रॉमिस किया था और एक सोच है मेरे मन में जो आप लोगों से आज मैं डिस्कस करना चाहता हूँ. मेजॉरिटी पेरेंट्स यहाँ पे आज जो बैठे हैं उनके बच्चे या तो 10th के एग्जाम दे चुके हैं या तो 12th के एग्जाम दे चुके हैं. कल रिजल्ट है 10th स्टैंडर्ड का, उसके बाद लगभग जून के फर्स्ट वीक में 12th का रिजल्ट आ जाएगा. आपके बच्चे का रिजल्ट जो भी आए उसको अपना करियर चुनने दीजिएगा. कभी बच्चे को अपनी उम्मीदों और एक्सपेक्टेशन के बोझ के तले दबाइएगा. हर इंसान अपनी जिंदगी में, आप सब जब स्कूल में थे तो आपने देखा होगा कि कई सारे बच्चे थे जिनसे बहुत एक्सपेक्टेशंस थी कि वो अपने करियर में बहुत बड़ी हाइट्स अचीव करेंगे और वो नहीं कर पाए. और कुछ ऐसे थे जिनको एक डट समझा गया था, फेलियर समझा गया था, उन्होंने भी अपना मकाम अचीव किया. उससे रिलेटेड एक छोटी सी स्टोरी है जो आप सभी पेरेंट्स के साथ में डिस्कस करना चाहता हूँ. 2 मिनट का समय लूंगा, ध्यान से सुनिएगा, ये लाइफ चेंजिंग स्टोरी है. भगवान गौतम बुद्ध अपने शास्त्रार्थ के लिए जाने जाते थे कि उनके जो शिष्य हुआ करते थे उनसे सवाल जवाब किया करते थे और वो उनके जवाब दिया करते थे. तो भगवान गौतम बुद्ध से एक बार उनके एक शिष्य ने क्वेश्चन किया था कि गुरुदेव मनुष्य की कीमत क्या है. भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि मनुष्य तो अनमोल है, उसकी कोई कीमत नहीं हो सकती. तो बोले फिर सर गुरुदेव ये ऐसा क्यों कि कोई बहुत गरीब है, कोई बहुत अमीर है, किसी को बहुत प्रसिद्धि मिलती है, किसी को कुछ भी नहीं मिलता है. उन्होंने बोला ये चीज मैं तुम्हें समझाऊं उसके लिए तुम्हें थोड़ा काम करना पड़ेगा. वो अपने शिष्यों को एक साथ लेके गए एक पत्थर के पास, पर्वत का टुकड़ा था. उन्होंने उनसे पूछा कि इसकी कीमत क्या हो सकती है. बोले पत्थर ऐसा गुरुदेव इसकी क्या कीमत होगी, कुछ भी नहीं. अगर मैं इसको तोड़ के इसके औजार बनवा दूं तो गुरुदेव कीमत अच्छी हो जाएगी. अगर और मेहनत करके हम इसमें से कोई मूर्ति बना दे तो और भी कीमत बढ़ जाएगी. हम इंसानों के साथ भी यही है, हम सब डड है, पत्थर है. जो जितनी मार सहलेगा, जो जितना खुद को तराशेगा वो उतना ज्यादा आगे बढ़ेगा. आप सब लोगों को एक चीज समझ के चलनी है, अपने बच्चों को यह सिखाइए कि एक अच्छा इंसान कैसे बने. विश्वास मानिए समर कैंप के दौरान मेरी सबसे बड़ी एफर्ट, इंग्लिश उन्होंने बोला वो बहुत बेहतरीन चीज है, लेकिन उससे भी ज्यादा मेरी एफर्ट यही थी कि इनके मन से डर कैसे निकले, इनके मन से इनके मन में एक पॉजिटिवनेस कैसे है.
कई सारे बच्चों में आज प्रॉब्लम है, गुस्सा बहुत आता है बच्चों को, तो गुस्से को एक चैनलाइज कैसे किया जाए, गुस्से को कंट्रोल में कैसे लिया जाए और वक्त आने पर उसका सही प्रयोग कैसे किया जाए, ये आपको सुन के हैरानी होगी। गुस्सा जिसको गलत माना जाता है, आप अगर किसी साइकोलॉजिस्ट से पूछे तो एंगर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इमोशन। उसको अगर प्रॉपरली इस्तेमाल किया जाए तो जीवन में बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। तो हमारी कोशिश यही रही कि बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाया जाए। समर कैंप के दौरान स्पोकन इंग्लिश के अलावा सेल्फ डिफेंस हमारा इस बार फोकस रहा, कई सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। डांसिंग ऑलवेज हमारा यूएसपी है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे डांसिंग के लिए एनरोल करते हैं और दोनों कोरियोग्राफर्स ने अपनी जान झोंक दी है इसमें। स्पोकन इंग्लिश में स्ट्रीम्स चार बनानी पड़ गई हमें, प्री बेसिक, बेसिक, एडवांस और एग्जीक्यूटिव लेवल। मेहंदी के क्लासेस में मुझे देख के आश्चर्य हो रहा था कि आखिरी के दिनों तक बच्चों में एक्साइटमेंट था कि हमें ज्वाइन करना है। सर 10 दिन पढ़े ना कोई बात नहीं, हमें ज्वाइन करना है। कंप्यूटर, ओरिगेमी, पेपर क्विलिंग, नए आर्ट फॉर्म्स, घर बैठे बच्चा अपने लिए बहुत सारी डेकोरेटिव चीजें इन्वेंट कर सकता है। कैलीग्राफी, हैंडराइटिंग इंप्रूवमेंट, कई सारे लोगों को यह दिक्कत होती थी कि बच्चे की हैंडराइटिंग इंप्रूव नहीं हो रही, उसके लिए भी हमने क्लासेस अरेंज किए। ये सब हो पाया बिकॉज ऑफ अवर टीम, बिकॉज ऑफ द टीचर्स, बिकॉज ऑफ द सपोर्ट ऑफ संत हिरदाराम स्वामी बसंतराम ट्रस्ट, बिकॉज ऑफ द इंकरेजिंग लीडरशिप ऑफ भाऊ मुरली गोलानी। उनके बगैर, उनके मार्गदर्शन के बगैर यहां पहुंचना, इस चीज को इमेजिन करना भी मुमकिन नहीं है। लास्टली एज अ फॉर्म ऑफ ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स माय टीम, मैं अपनी टीम का सम्मान करना चाहता हूं, इसलिए मैं मेरे सारे टीम मेंबर्स, जितने भी टीचर्स हमारे साथ समर कैंप में काम कर चुके हैं, उसके अलावा जो हमारी कोचिंग चल रही है, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, जहां पर पेरेंट्स 20-25 हजार रुपए फीस पे करके क्वालिटी ट्यूशंस अक्वायर नहीं कर पाते, हम यहाँ पे अंडर वन रूफ हाईली क्वालिफाइड टीचर्स के थ्रू बहुत कम फीस में, नॉमिनल फीस रुपीज में, एनुअली 3-3.5 हजार रुपए की फीस में सारे सब्जेक्ट्स की ट्यूशंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, विद कंप्लीट फॉलो अप, विद कंप्लीट एग्जामिनेशन, वीकली टेस्ट, एवरीथिंग। तो ये इनिशिएटिव्स हैं जिनका आप सबको बहुत बहुत लाभ उठाना चाहिए। समर कैंप 2017 खत्म हो रहा है। लास्ट ईयर मैंने सर से कहा था कि सर नेक्स्ट ईयर इससे बड़ा करेंगे, मैं उम्मीद रखता हूँ कि 2018 और भी बड़ा होगा, और भी नई एक्टिविटीज हम अपने बुके में लाएंगे और इससे भी बड़ा वेन्यू लेके हम अपना प्रोग्राम करेंगे। मैं एक मिनट के लिए अपने सारे टीचर्स को चाहूंगा कि स्टेज पे आए। एवरीबॉडी, ऑल द टीचर्स प्लीज कम ऑन द स्टेज।